क्या आप भी ऐसा डोसा बनाना चाहती हैं, टमाटर डोसा? आइए वीडियो के अंत तक जुटे रहें। आइए हम लोग टमाटर डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टमाटर डोसा बनाने वाले हैं। देखिए तीन टमाटर ले रहे हैं इसमें हम। ये तीन ठो हमारा टमाटर हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम चुकंदर डाल दिए हैं और ये दो हरी मिर्च हो गई है और ये टुकड़ा ले लिए हैं। यह है का ये। आज हम टमाटर डोसा बनाने वाले हैं तो आज हम टमाटर और थोड़ा सा चुकंदर का इस्तेमाल किए हैं। इसमें एक कप हम चावल का आटा मिला दिए हैं और ये एक कप सूजी हो गया है हम लोग का और ये एक कप ये छोटा कप से आटा हो गया है। इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। हम लोग का घोल इस तरीके का तैयार हो गया है। अभी इसमें और पानी डालेंगे हम, जैसे झाझ होता है इस तरीके का पूरा रहेगा। इसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं, एक बड़ा साइज का प्याज काट लिए हैं हम। दो हरी मिर्च है और ये कड़ा पत्ता है थोड़ा सा, इसको मिक्स कर दे रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक, ये स्वाद अनुसार नमक मिला दे रहे हैं। तीखा और नमक अपने हिसाब से आप कर सकती हैं स्वाद अनुसार। जीरा मिला दे रहे हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हम लोग का नून हो गया है एक चुटकी कर ले रहे हैं। इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं 15 मिनट के लिए कराएंगे। थोड़ा सा ये हरी मिर्च ले लिए हैं चार, तीखा अपने हिसाब से आप डालिए। अदरक हो गया है, लहसुन की कलियां हैं 3-4 और एक छोटा सा इसका प्याज हो गया है और इसमें हम आम काट के डाल रहे हैं। ये देखिए आम हमारा है। आज हम थोड़ा सा खट्टा वाला चटनी बना रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा। देखिए चटनी हम लोग का हो गया है तो इस डोसे के साथ, टमाटर डोसे के साथ ये अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग की चटनी बन गई है ये। अब हम लोग डोसा की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग का ये हो गया है थोड़ा सा इस तरीके का। इसमें और पानी डालेंगे। अब ये पतला चाहिए हम लोग को, इसमें हम आधा कप और पानी मिलाएंगे। देखिए कुछ इस टाइप में। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। हम लोग का तैयार हो गया है। आइए हम लोग डोसा तवा चढ़ाते हैं। ये डोसा नॉन स्टिक तवे में बनेगा, ये नॉर्मल तवे पे नहीं बनेगा। इस तरीके का हम तेल इस पे डाल दिए हैं। ये डोसा हमेशा नॉन स्टिक पे बनेगा। जो नॉर्मल तवा पे हम डोसा बना के दिखाए हैं वो तो बन जाएगा, बाकी ये जो है आपका टमाटर डोसा ये नॉन स्टिक वाले पे बनेगा। ये इसी तरीके ये जालीदार डोसा हम लोग का टमाटर डोसा रहेगा। देखिए इसका बैटर कितना पतला है और इस तरीके का उसमें हम तेल डाल दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से हल्का फुल्का। आपका इसी तरीके डोसा देखिए आपका भी जालीदार होना चाहिए, गोल्डन हो जाए तब हम लोग इसको पलट देंगे। डोसा है कितना अच्छा आया है, इसको हम पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा डोसा आ गया है। आप चाहे तो इसको और कुरकुरा कर सकती हूँ क्रिस्पी। देखिए आपका ये टमाटर डोसा हम बना दिए हैं। देखिए कितना अच्छा बना है टमाटर डोसा ये। आप भी इस तरीके बनाइए, खाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर जरूर करिए, कमेंट करिए।